हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अरचना अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे होम सिकनेस के बारे में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को हॉस्टल छोड़कर आते हैं, और बच्चे जो होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो घर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हॉस्टल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनको ज़बरदस्ती छोड़ा जाता है हॉस्टल में, तो जिससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बीमार पड़ जाते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि जो बच्चे हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, उनको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है, वो अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, और बहुत जल्दी फीवर आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सही से खाना नहीं खाते हैं, ना उनको भूख लगती है, ना सही से सोते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं, अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये सारे सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में आप होम्योपैथी मेडिसिन देंगे तो जो आपका बच्चा है वो बहुत ज़्यादा, जिसको अपने घर से लगाव है, घर घर के अलावा वो कहीं बाहर रहना पसंद नहीं करता है। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं कि अपने बच्चों को हॉस्टल्स में डाल देते हैं, तो सोचते हैं कि उनका जो फ्यूचर है तो वो अच्छा हो, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हैं, लेकिन वो बच्चे हैं कि वो घर में रहना ही पसंद करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं कि मुझे घर में ही रहना है, लेकिन वो घर पे नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। या तो फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को कहीं लेके जाते हैं, घूमने लेके जाते हैं, या किसी रिलेशन में लेके जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो आप देखेंगे जो बच्चा होता है वो बोलता है कि मुझे घर जाना है। जैसे उसे घर लेके नहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि मचल जाता है, या फिर अकेला रहना पसंद करने लगता है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे। तो उस कंडीशन को आपको ठीक करने में, जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में, ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छा हेल्प करेगी, जिससे क्या होगा कि जो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो जो आपको फर्स्ट मेडिसिन लेनी है वो लेनी है मर्कसॉल। जो मर्कसॉल आपको मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आपको 30 प्रोटेंसी में, दिन में 2 बार लेना है, और इसको जो लेना है एक एक ड्रॉप लेना है। जो 10 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको एक एक ड्रॉप लेना है, जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो उनको 2 ड्रॉप लेना है, 2 ड्रॉप मॉर्निंग 2 ड्रॉप नाइट में लेना है, या तो फिर दिन में 1 बार लेना है। बच्चे की सिम्टम्स और उसका वेट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन देंगे। साथ में जो पेशेंट है उसमें और भी क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही जो पोटेंसी है वो भी सिलेक्ट की जाएगी। तो ये मैंने जनरली ही बताई हूँ आपको। जो सेकेंड मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आपको कैप्सिकम, ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, और ये भी आपको मॉर्निंग में 1 ड्रॉप और नाइट में 1 ड्रॉप लेना है। ये जो मेडिसिन है ये आप लेंगे तो आप देखेंगे जो आपके बच्चे को होम सिकनेस की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी, आपके जो घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, बच्चा आपका कहीं भी जाता है, कोचिंग में पढ़ने जाता है, तो आप देखेंगे कि कोचिंग वहाँ कोचिंग में जो टीचर पढ़ाती है उससे भी वो सही से नहीं पढ़ पाता है, या फिर स्कूल जाता है तो स्कूल में भी आप देखेंगे कि वो बैठ नहीं पाता है, तो दौड़ के वो कब सोचता है कि कब मेरी छुट्टी हो और कब मैं घर जाऊँ, जिससे क्या होता है कि उसका जो मन होता है वो घर में ही लगा रहता है, जिसके कारण बच्चा जो आपका होता है वो सही से पढ़ता नहीं है, ना किसी से बात करता है, बिल्कुल अकेला रहता है। ये सारी अगर प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको तो आप ये 2 मेडिसिन देंगे तो आप देखेंगे जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको और भी कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो और भी मेडिसिन दी जा सकती है, तो आप ये मेडिसिन लीजिए, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। बाकी इस मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट है और बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।